आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। अगर आप भी छेने के रसगुल्ला खाने के शौकीन है तो यह खबर आपके लिए बेहद ही जरूरी है, क्योंकि बाजार में बिकने वाला रसगुल्ला मिलावटी है। जी हां, यह खुलासा रीवा की खाद्य विभाग की टीम द्वारा की गई जांच के दौरान हुआ है। टीम को निरीक्षण के दौरान छेने के रसगुल्ले में मैदे की मिलावट मिली, जिसे खुद दुकानदार ने कबूल किया है। दरअसल मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत कलेक्टर रीवा द्वारा गठित संयुक्त जांच दल द्वारा सिरमौर चौराहे की निकट स्थित शिवम स्वीट्स एवं डेयरी के कारखाने पर छापेमार कार्रवाई की गई। जांच के दौरान कारखाने का कोई लाइसेंस नहीं पाया गया। संचालक लक्ष्मी शंकर मिश्रा द्वारा डीप फ्रीजर में रखकर पनीर, मावा एवं मिठाइयों का विक्रय किया जा रहा था। जांच के दौरान छेने रसगुल्ला में प्रारंभिक जांच में स्टार्च की मिलावट की शंका हुई। जब पूछने पर संचालक ने छेना रसगुल्ला में मैदे की मिलावट होना स्वीकार किया। जांच टीम ने प्रतिष्ठान से जांच के लिए मावा, पनीर, बर्फी एवं छेना रसगुल्ला के नमूने ले लिए हैं। कार्रवाई के दौरान जांच दल में खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमरीश दुबे एवं साबिर अली शामिल रहे। बताया गया कि जांच के दौरान रिपोर्ट के आधार पर संबंधित दुकान संचालक के विरुद्ध कार्रवाई तय की जाएगी।